हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्कूल और कॉलेजों के खोलने को लेकर आ रही बड़ी खबर के बारे में, जहां पर सरकार ने आखिरकार ऐलान कर दिया और कह दिया है कि इस दिन से सभी स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया जाएगा। यानी कि सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के ओपन करने की तारीखों की घोषणा कर दी और साथ ही में गाइडलाइन को भी जारी कर दिया है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि सरकार किस प्रकार से और कब से सभी स्कूल और कॉलेजों को खोलेगी और किस सब प्रकार से नए नियमों के साथ में अभी स्कूल और कॉलेजों के अंदर सरकार पढ़ाई करवाएगी। तो यदि आप ये संपूर्ण जानकारी स्कूल और कॉलेजों के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि आपको आगे भी आपके काम के और स्कूल कॉलेजों के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि देश भर में सरकार कब से और किस प्रकार से सभी स्कूलों को खोलेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूल और कॉलेजों के खोलने को लेकर बड़ी खबर को जारी कर दिया गया और बहुत ही बड़ी गाइडलाइन को भी जारी किया गया है, जहां पर यूपी सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेजों के खोलने को लेकर नई गाइडलाइन को जारी किया गया है। और विश्वविद्यालयों में 1 अक्टूबर से जो है चलने वाली एक क्लास, यानी कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले सभी कॉलेज, ये ऐलान किया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। और इसी के साथ ही आप सभी का आखिरकार इंतजार खत्म कर दिया है स्कूल कॉलेजों के खोलने को लेकर। तो कोरोना के कारण और स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित देखने को मिली और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नए सत्र को लेकर गाइडलाइन को जारी किया। और इस गाइडलाइन के अनुसार बताया जा रहा है कि ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की कक्षाएं 1 अक्टूबर से और पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। यानी कि यहां पर सभी स्कूल और कॉलेजों को 1 अक्टूबर से खोला जाएगा, यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐलान किया है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर को छोड़कर बाकी क्लास जो है 4 अगस्त से ऑनलाइन देखने को मिलेगी और एडमिशन की पूरी प्रक्रिया भी ऑनलाइन देखने को मिलेगी, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान करते हुए सभी बच्चों के लिए गाइडलाइन को जारी किया। और इसी के साथ आप सभी के लिए यह बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है। और इसके अलावा योगी सरकार ने कहा है कि अभी पढ़ाई नए नियमों के साथ में स्कूल और कॉलेजों के अंदर होगी। और यहां पर यह बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आई है राहत भरी खबर के रूप में, जो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से निकल के सामने आई है। तो गाइडलाइन में कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि कोर्स शुरू होने के 45 दिनों में सिर्फ ऑनलाइन क्लास दी जाएगी और बाद में 3 से 4 हफ्तों के बाद में छात्र छात्राओं का ग्रुप बनाकर उन्हें रोटेशन के तहत कॉलेज में बुलाया जाएगा, जिससे हफ्ते में एक बार सभी क्लास जो है अटेंड कर पाएंगे, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा और इस दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा। ये ऐलान किया योगी सरकार ने और रोटेशन के हिसाब से बच्चों को बुलाने का यहाँ पर आवेदन किया और निमंत्रण दिया यहाँ पर सभी बच्चों को। तो गाइडलाइन की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं, जहां पर 13 जुलाई से यूनिवर्सिटी कैंपस आकर एक कंटेंट तैयार करवाकर आप अपलोड कर सकते हैं। और वहीं 13 जुलाई से आप सभी को एक अन्य सुविधा मिली है, जहां पर टीचर्स पर आप फोन या अन्य माध्यमों से बातचीत कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में एडमिशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर रखी गई है और वहीं जरूरत पड़ने पर आप रोटेशन के हिसाब जो है यहाँ पर कॉलेज में आ सकेंगे। और इसके अलावा सभी बच्चे जो यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड करके उसे अपलोड भी कर पाएंगे। तो प्रकार से ये गाइडलाइन निकल के सामने आ रही है स्कूल कॉलेजों के खोलने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया है कि 1 अक्टूबर से सभी कॉलेजों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए स्कूल कॉलेजों के खोलने को लेकर निकल के सामने आई थी। तो यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।